हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। दोस्तों, हम हमेशा फिट रहना चाहते हैं, दवाई से दूर रहना चाहते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। अगर उतना मजबूरी नहीं हुआ और हम थोड़ा से जागरूक रहे, नेचुरल तरीके से जिंदगी जीने को कोशिश किए, एक्यूप्रेशर और योगा का सहारा लेते रहे, तो दोस्तों एक चीज याद रखो, आप 99% दवाई और अस्पताल को अवॉइड कर सकते हो। आज का टॉपिक है ध्यान लगाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ मुद्राएं बता देता हूं, खास करके जैसे कि आप ये जो सारे उंगलियों को मेरे देखो, यहां है थंब। थंब हमारा फायर को रिप्रेजेंट करता है, जो पांच तत्व होते हैं ये फायर को दोस्तों रिप्रेजेंट करता है। और यहां देखो इंडेक्स फिंगर है आपका, इंडेक्स फिंगर जो दोस्तों है वो एयर यानी हवा को रिप्रेजेंट करता है। और यहां देखिए आप मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर जो आपका है वो आकाश तत्व है, यानी आप ये स्काई एलिमेंट है। तो उसके बाद आपका है रिंग फिंगर, रिंग फिंगर जो है आपका दोस्तों ये अर्थ है, यानी हमारा जो धरती है, मिट्टी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में जो लिटिल फिंगर है वो है दोस्तों वाटर, यानी पानी को रिप्रेजेंट करता है। इसको बेस करके मुद्रा बनाया गया है जो आपके बात, पीत, कफ तीनों चीज को बैलेंस करेगा और आपका पांचों तत्व जो है वो भी बैलेंस रहेंगे, जिससे आप हेल्दी लाइफ दोस्तों जी पाओगे। तो पहला मैं आपको बताता हूं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए ऐसा ही सीधे बैठना है, सुखासन या पद्मासन पोजिशन में आपको बैठना है। अगर आप पद्मासन करना चाहो तो ऐसे कर लो, ये देखो। तो दोस्तों ये देखिए, ये हो गया ज्ञान मुद्रा, ये हो गया ज्ञान मुद्रा, यानी इंडेक्स और थंब दोनों को आपको टच करना है और इसमें जो स्पंदन है इसको दोस्तों महसूस करनी है और आपके सांस के ऊपर आपको ध्यान देनी है। जिनको आर्थराइटिस है, घुटने में दर्द रहती है, वह पद्मासन में ना बैठे, सुखासन में बैठो या बेड के ऊपर बैठ के पैर नीचे करके भी रख सकते हो या फिर चेयर में भी बैठ सकते हो। तो आपको ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठना है जिससे आपका दिल दिमाग जो है वो संचित होगा और मेडिटेशन बढ़िया होगा दोस्तों। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा वायु मुद्रा। वायु मुद्रा दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से, और या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो। इसके बाद आपका आ जाता है आकाश। आकाश मुद्रा आप कर सकते हो स्पेस के लिए, इस तरीके से। मिड फिंगर आकाश तत्व और फायर यानी थंब को आपको टच करके रखनी है। इसके साथ साथ आप पृथ्वी मुद्रा भी कर सकते हो। इसमें रिंग फिंगर और थंब को दोस्तों टच करके रखा जाता है। बहुत ही बेहतरीन चार मुद्रा आपको मैंने बताया, सब में आपको स्पंदन को फील करनी है और ऐसा 15 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हो,
सुखासन में बैठो, चाहे पद्मासन में बैठो, चाहे चेयर में बैठो, चाहे आप पिलो लगा के बैठो, कैसे भी बैठो, आप कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आपकी आदत है तो ऐसे आप पद्मासन में बैठ सकते हो। इससे आपकी कंसंट्रेशन, आपके अंदर की जो शक्तियाँ बेहतर काम करेंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ऐसे 5 बार 7 बार 10 बार 15 बार कर सकते हो हर मुद्रा में। उसी तरीके से जो मुस्लिम भाई लोग हो वो कैसे करोगे, गहरी सांसें अंदर लो, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, इस तरीके से आप कर सकते हो। और अलग अलग तरीका है, बुद्धं शरणं गच्छामि ऐसे कर सकते हो, और सुबह सुबह ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। इस समय आप आज्ञा चक्र पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ होती है जो दोनों भ्रू लता है इसके बीचों बीच होती है, थर्ड आई चक्र जिसे कहते हैं, इस पे ध्यान दो। और फिर 101 बार आप अगर ऐसा कर सकते हो सुबह, तो आपके अंदर ऊर्जा तेज प्रखर हो जाएगा दोस्तों, आप कॉन्फिडेंट रहोगे हर चीज में, हर मुसीबत से आप निकल जाओगे। अगर कभी भी आप किसी मुसीबत में आ गए, कोई बीमारी के चक्रव्यूह के अंदर फंस भी गए, आप तुरंत निकल जाओगे। ओ नमः शिवाय, इस तरीके से आपको करनी है पूरे साउंड वाइब्रेशन के साथ। मगर इसके पहले ब्रीदिंग आप कंप्लीट करोगे, फिर मेडिटेटिव कंडीशन में थोड़ा देर जाने के बाद ओम का उच्चारण इस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का स्पेशल वीडियो, आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए। बीमारी से दूर रहोगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करोगे, ये मेरी दुआएं आपके साथ। तो जैसे हमेशा कहता हूं, मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, ये ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजॉन पे। 600 पेज की किताब, पूरा एक्यूप्रेशर की ज्ञान फोटो के साथ, और 2,500 से ज्यादा टिप्स होम ट्रीटमेंट के लिए। घर बैठ के 51 से ज्यादा बीमारियों का दोस्तों आप इलाज कर सकते हो। ये अंग्रेजी है, ये है हिंदी, माई हेल्थ इन माई हैंड का हिंदी वर्सन।
आप इसे अगर घर में रखते हो, किसी नियर डियर जैसे खास करके माँ बाप को आप गिफ्ट देते हो, तो दोस्तों ये बहुत ही पुण्य का काम है। 10 साल लगा है इसको दोस्तों तैयार करने में, इंटरनेशनल बुक है, और आप इसे खुद भी अपनाओ और अपने नज़दीक के किसी को भी दोगे तो इससे अच्छा और बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता उसके लाइफ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ तत्काल आप ऑनलाइन अमेजन से इसको बुक करें और घर ला के इसका इस्तेमाल करो और दवाई से दूर रहो, अस्पताल आपको ना जाना पड़े। इसी प्रार्थना के साथ भगवान के सामने नतमस्त होकर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।